महाराष्ट्र से देश की राजनीति को हिलाने वाली खबर निकलकर सामने आई है और कहा जा रहा है कि भाजपा ने फिर विधायकों की खरीद फरोखी करके महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को गिराने की चाल चलती है, जिसे लेकर एक सियासी तूफान ने जन्म ले लिया है और देश के राजनीतिक गलियारों में मानो भूकंप आ गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावी नतीजे आने के बाद शिवसेना में फूट पड़ने की खबर सामने आई है। साथ ही शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे भी पार्टी से कुछ दिनों से काफी नाराज चल रहे थे और अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उनके 11 समर्थक विधायक फिलहाल गुजरात के सूरत शहर में एक होटल में ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर काफी कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। जिसे भी अंदर जाना है पहले उसकी तलाशी ली जा रही है और पूछताछ की जा रही है। एकनाथ शिंदे के इस कदम से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के संपर्क में है और अमित शाह महाराष्ट्र सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एकनाथ सोमवार शाम से आउट ऑफ रीच बताए जा रहे हैं। ऐसे में आज दोपहर होने वाली बैठक में वे मौजूद रहेंगे या नहीं, इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। विधायकों को क्रॉस वोटिंग की वजह से शिवसेना में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे समेत तकरीबन 13 विधायक नाराज हैं और ये सभी नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह इन 13 नाराज विधायकों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बैठाया जा सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आज का अपना नासिक दौरा रद्द कर दिया है और सारे कार्यक्रम छोड़कर पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली आने का आदेश दिया है। शिवसेना में मचे राजनीतिक घमासान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपकर सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा में बीजेपी को जनादेश दिया था, हालांकि जब उनसे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के विकल्प पर बात की तो वह मुस्कुरा कर चल दिए। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।